अल्हम्दुलिल्लाह जिथे मैं आर्डर देवन गया वो सानू वेख के बड़े माज एक दफा चौंक जांदे ने यार एक माजूर आदमी डिसेबल आदमी जिहड़ा ना माशाल्लाह ये काम कर रहा है एफर्ट कर रहा है पैसे भी कोई ना एक वैध काम मोटरसाइकिल मेरे को आई मेरे को टच मोबाइल भी आई अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास्टर किया इस्लामिक स्टडी मैं बचपन तो ही माजूर हाँ इमरान पांडे वाले नाम से एक चैनल बनाया जिन्होंने मैं चला रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उस काफ़ी दोस्त बहन भाई मैंने जो सपोर्ट भी है कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल जंग रंग टू मैं हाँ अंसर खान बलोच नाज़रीन आज मैं थोड़ी मुलाकात करवा रहा एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान के नाल जिहड़ा माजूर होने के बावजूद भी इस नौजवान ने अपनी माजूरी नू अपनी कमजोरी नहीं बनाया। इस नौजवान जिस तरह इमरान है अज साडे यूट्यूब चैनल जंग रंग का मेहमान है उस नौजवान के नाल गुफ्तगू करते हैं। इमरान भाई माजूर और फूड पैंडा जी ये कोई जोड़ नहीं फूड पैंडा दे भी तुसी किवें गए इहदे विच जनाब अली तुहाडी खिदमत ते चार्ज करां सब तो पहले तो मैं थोड़ा बड़ा शुक्रगुजार हाँ तुसी सानू अपने जंग रंग का मेहमान बनाया बहुत शुक्रिया। इस विच ना काफ़ी लंबी कहानी है तुहानू मैं सुनावा भाई बेसिकली मेरा तालक जिहड़ा ना वो खानेवाल कबीर वाले दी इहदे इलाके दे विचों है ते मैं बचपन तो ही माजूर हाँ मैनू ना पोलियो बचपन दे विच होया सी मेरी एक पढ़ने की एक बेसिक रीजन यह है कि मैं कम ना कर सकता तो मैं क्या चल ठीक है फिर पढ़ लीए पढ़े हो कितना पढ़े जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास्टर किया इस्लामिक स्टडी अच्छा। इस्लामिक स्टडी अरेबिक स्टडी मैं मास्टर किया वफाक मदारिस पाकिस्तान की तरफ। इमरान भाई जी माजूरी है ये कदों माजूर है क्योंकि अगर अभी सिर्फ फिजीक वेखिए ना उत्तर मालूम होंदा कि बहुत सेहतमंद नौजवान है लेकिन जदों असीं तुहाडियां लत्तां नूं वेखने आ तो यकीन करो बड़ा एक ना उदासी जिही आउंदी है कि यार इतना खूबसूरत नौजवान और उसकी लत्तां कोई नहीं और सड़कां ते ओह रिड़ रहा है और तुसीं जिहड़ा ओह टायर दे तुसीं अपने पाए हुए ने ये मजूरी तुहानूं कदों होई ये मजूरी जनाब अली मैनूं बचपन च होई आ मैनूं पोलियो होया है और शायद कतरे ना पीते या जो भी रीजन बनी है बचपन तो पोलियो हाँ जी बचपन पोलियो हो गया उस तो बाद स्टडी मुकम्मल की थी। पैदाशी तुसी पैदा ठीक हुए पैदाशी तौर में ठीक हूँ जिस तरह मैंने वालदैन या रिश्तेदार दसते हैं पहले मैं ठीक हूँ लेकिन ये जो मामला होया ना ये मेरे नाल बाद हो तो दो चार साल की उम्र उस तो बाद स्टडी मुकम्मल की मैंने उम्मीद है मैंने सारे आके यार तू कोई होर काम नहीं कर सकता तू पढ़ ला तेरी नौकरी लग गई थी मैं जरा मास्टर मुकम्मल किया मैं महसूस है काफ़ी है नौकरी वास्ते तुम कोई 35,000 की नौकरी 40,000 मिल जाती कोशिश की नौकरी थी। जी जी मैं खानेवाल 12 से 15 इंटरव्यू दिते मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लेकर मैनू नौकरी नहीं मिली मैं नहीं पता किसन मिली है या सानू क्यों नहीं मिली मैं नहीं जानता वो अल्लाह ताला की दात जानती लेकिन मैनू वो नहीं मिली मैं सोचे फिर की फिर मैं शादी मेरी हो गई जिम्मेदारी बढ़ गई शादी कदों की शादी मेरी 2020 च हुई है 2020 हाँ जी माशाल्लाह हूँ मेरी एक बेटी भी है तो जिम्मेदारी बात की नौकरी मिलना ही मैं मुड़ काम करने वाले पास रुझान किया तो फूड पांडे की में गए मैं सर थोड़ी खिदमत चू अर्ज करेंदा पी हाँ मैं अपनी दुकान बनाई कबीर वाले मिस्टर खानेवाल अच्छा। करोना जे ले आया ना सरकार वाले 19-20 मैं लपेट च आया तो मेरा सारा कारोबार लॉकडाउन की वजह तो खत्म हो गया मेरी मोबाइल की दुकान आई उ मैं रिपेयरिंग हाँ जी इंस्टॉलमेंट एक्सेसरीज वगैरह जी कोरोना के ना पहले वो खत्म हो गई मुड़ मैं तक 1.5-2 महीने घर वेला बैठा रही मैंने मेरे किसी मशुरा दिता कि यार जो कोई काम तो करना है मैंने समझ कि पैसे भी कोई ना एक वैध काम मोटरसाइकिल मेरे को आई मेरे को टच मोबाइल भी आई एक वैध काम आई जो बगैर इन्वेस्टमेंट तो शुरू हो सकता आई फूड पांडे का उस फूड पांडे की वजह न मैं फिर इस्लामाबाद चला गया उत्थे वहीं बाकी फूड पांडा कर रहे हैं तो थोड़ी खिदमत अच्छा दे रहे हैं जो फूड पांडे इस्लामाबाद गए ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਸੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਸੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਸੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੇ ਨਾ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੇਸਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਤਾ लेकिन क्योंकि दूसरा होर कोई काम मेरे को लाए कोई मैं फिर मेहनत इसे तो की अल्लाह की दात से तवक्कल किया कि अल्लाह मेहरबानी करे थी तो सानू इतनी कामयाब करे थी पहले 2-3 हफ्ते मेरे वास्ते बड़े मुश्किल रहे काम का पता कोई नहीं मुश्किलात फिर आर्डर चावना राह चो केयर करके लैके जावना कस्टमर तक डिलीवर करना काफ़ी मुश्किल टास्क है लेकिन अल्लाह की दात से तवक्कल करके की रखे कि यार हूँ होर है नहीं फिर अल्लाह ताला दी दाद ने मदद की और निजाम में सेट हो गया। इमरान भाई ये फूड पांडे वाले सिर्फ तुहानू सैलरी दे देन या वैसे तुहानू कोई माली सपोर्ट भी करदे नहीं नहीं इन्हां दी ना माली सपोर्ट होंदी है ना सैलरी इन्हां दी होंदी कमीशन बेस से
जितने आर्डर ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸੋ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਨ। ਵੀਕਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੀਕਲੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾ ਜਾ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੀਟ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ 800 ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਡਿਸੇਬਲ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1000 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ YouTube, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਾਇਰਲ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਉਸ ਇਮਰਾਨ ਪਾਂਡੇ, ਇਮਰਾਨ ਪਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, इमरान पांडे वाले नाम से एक चैनल बनाया जिन्होंने मैं चला रहा और अलहमदुल्ला तो काफी दोस्त भैन भाई मैंने जो सपोर्ट भी ये कर रहे हैं, जिस वास्ते मैं उन्होंने बड़ा शुक्र गुजार हाँ। और इनशाला वो इनकम थोड़ा सोर्स मेरा अगर थोड़ा कंफर्ट हो गया ना तो फिर उम्मीद है कि मेरी इनकम स्टार्ट होती तो मैं फिर, क्योंकि काफी मुश्किल काम है जाती तौर अगर दिल्ली तौर मेरे को पूछा जाए तो मैं काम नहीं चाहता करना चाह रहा, लेकिन मजबूरी है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम की वजह से यूट्यूब चैनल बनाया लेकिन उसका कोई रबता सही देना हो नहीं सकिया जिस करके कोई मुमकिन नहीं हो सकी सपोर्ट, बाकी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। काफी रहमदिल इंसान इंशाल्लाह, कोई ना कोई फरिश्ता मिल सी सारी जिंदगी बाहर आसी इंशाल्लाह। इमरान, असीं तुहाडियां कुछ वीडियो सोशल मीडिया ते फेसबुक ते वेखियां कि कुछ लोगों ने तुहाडे नाल प्रैंक कीते और उन्होंने वीडियो मिलियन इस गई, जी जी, क्या उन्होंने फिर तुहाडे नाल राबता करके, क्योंकि उन्होंने तो उहदे नाल पैसे कमाए, क्या उन्होंने तुहानू कोई शेयर दिता कि यार तुहाडी वजह तों साडी वीडियो इतनी चली है कि यार चलो ए तुसीं कोई शेयर लै लो साडे? नहीं जी, वो शेयर तो उन्होंने नहीं दिता, लेकिन जो प्रैंक होया सी ना जिसकी तुसीं जिक्र कर रहे हो उन्होंने मैंने वो चैनल बना के मैंने सपोर्ट की है, जिस करके अलहमदुल्ला तकरीबन साढ़े चैनल से तकरीबन 9000 सब्सक्राइबर माशाल्लाह कंप्लीट होने वाले तकरीबन 3 हफ्ते के। अच्छा, ये आम तौर पर जो मुआशरे में ट्रैवल करते हो ना मुख्तलिफ मिजाजों के सानू लोग मिलते हैं, तो आनू किस किस मिजाज के लोग मिलते हैं? कोई लोग ताने कसते हैं, कोई लोग हमदर्दी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, की करते हैं? जी जी बिल्कुल, तुसी बड़ी चंगी गल पूछी है। अलहमदुल्ला जिते मैं आर्डर देवन गए सू वेख के बड़े माश एक दफा चौंक जाए, यार एक माजूर आदमी डिसेबल आदमी जाना माशाला काम कर रहे एफर्ट कर रहे एप्रीशिएट करें, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स रिएक्शन वेखन मिलते हैं और बड़े मुड़ मैं महसूस होता कि यार मैं जो फैसला किया ना मैं एक चौराहे से नहीं बैठे, क्योंकि मेरे तरह के लोग मैं बड़ी अजीब अजीब कंडीशन मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं मैं महसूस होता कि अलहमदुल्ला मैं जो जिंदगी दे विच अपना खुद का फील होने का फैसला किया बड़ा जबरदस्त है और फिर मैं बड़ा अच्छा महसूस होता कि अल्लाह की जात ने यह सब कुछ दिता है अलहमदुल्ला। इमरान भाई, तुम्हारी शक्ल भी खिवी है, तुम ये खूबसूरत और बजायर सेहतमंद सन नौजवान नजर आते हो, जो असं तुहाड़ियां लत्तां वेखदे हां तो सानू बड़ा ना एक अफसोस होंदा कि यार एक इतना खूबसूरत नौजवान माजूर है, कभी खुद तुसी एहसास कमतरी का शिकार होए हो कि यार मैं मेरी शक्ल अच्छी है, मेरी उतली फिजीक बहुत अच्छी है, लेकिन मेरिया जिहड़ियां लत्तां हैं वह उस तो मैं माजूर हाँ, कभी एहसास कमतरी भी होगी तुहानू? नहीं जनाब, इस तरह का कभी भी नहीं सोचे, अलहमदुल्ला मैं इस चीज़ भी बिलीव करना कि अल्लाह ताला की जात ने जिस कंडीशन रखा है शायद मेरे वास्ते वो बेहतरीन कंडीशन है, मैं अल्लाह ताला दी ज़ात दे फैसले दे अगू सारा अपना काम कर लेना और इस कंडीशन दे विच हो के मैं फिर अपनी एबिलिटी वेना कि मैं कर की सकना, मैं फिर हरकत करना रब दी ज़ात दी बरकत पा दें दी है। और जिहड़ी गल तुसीं कमतरी ते पुछ रहे हो अलहमदुल्ला कदी हो जिया ख्याल भी नहीं आया दिन दे विच, मैं जिस कंडीशन च हाँ मैं अल्लाह दी ज़ात दे फैसले दे उत्ते अलहमदुल्ला मैं 100% खुश। मेरी कोशिश है कि यार भीख मंगण नाल ना एक इंसान खुददारी दी जिंदगी जीवे तो मेरे ख्याल इस तो वध की कोई शायद हो नहीं सकती। ये जड़ा तुसी इस पांडे ते काम कर रहे हो कोई अच्छा इनकम वगैरह अच्छी हो रही है? जी जी अलहमदुल्ला मेरे नसीब दा रिस्क मेरे बच्चे दा रिस्क अल्लाह दी जात मैनूं दे देंदी है और मैं दोते खुश हां। जिहड़े तुहाडे यूट्यूब चैनल है उस मैं वेखिन कि तुहाडे 9000 सब्सक्राइबर हैं, इनकम यूट्यूब चैनल तो कोई इनकम आ रही है? नहीं जी, यूट्यूब तो इनकम नहीं आ रही हो, अजे मोनेटाइज नहीं होया मेरा जो वॉच टाइम है अजे कंप्लीट नहीं होया, बल्कि मैं वेखना तो गुजारिश भी करे सां कि मेरे चैनल नूं तुहाडी सपोर्ट दी जरूरत है, ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਤੋ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਨਾ
डिटरमिंड है, अपने काम के नाल इतना मुखलिस है कि इसने कभी सोचा भी नहीं कि वह डिसेबल है, अपने नॉर्मल रूटीन जिंदगी गुजार रहा है। और यूट्यूब चैनल है जी इन्हों का इमरान पांडे वाला, मैं तो गुजारिश करना कि मैं इस नौजवान के चैनल का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ और अपनी कम्यूनिटी भी ला रहा। इस नौजवान इमरान भाई के चैनल में तुम लाजमी सबसक्राइब करो, इस चैनल में सपोर्ट करो ताकि ये नौजवान जड़ा इस ख्वाहिश रखता है कि मेरा चैनल ग्रो करे, मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए इनकम आवे, तो एक क्लिक के नाल इस नौजवान की जिंदगी बदल सकती है। मेरी गुजारिश है अगर तुम यूट्यूबर हो, अगर तुम व्यूअर हो, इस इमरान भाई के चैनल में सपोर्ट करो ताकि इमरान भाई का चैनल ग्रो करे और एक अच्छा जरिया बन जाए रिस्क कमावण दा। अंसर खान बलोच नूं जंग रंग तों इजाजत दिओ, अल्लाह हाफिज़।